नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सवाईयाजपुर के रूपापुर चीनी मिल में आजादी का अमृत महोत्सव, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा चीनी मिल तिरंगा यात्रा देख खुश हुए लोग। आजादी का अमृत महोत्सव गांव से लेकर शहर तक में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं चीनी मिल रूपापुर के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह की अगुवाई में चीनी मिल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक साथ एक तरफ होकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। चीनी मिल से चलकर गन्ना सोसाइटी में संपन्न हुई। क्या बोले चीनी मिल के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह। डीसीएम श्रीराम ग्रुप के रूपापुर यूनिट के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि देश की आजादी में हम लोगों को लड़ने का अवसर नहीं मिला, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ऐसे खुशी के अवसर को ना छोड़े। ये शब्द सुनते ही पूरा चीनी मिल वंदे मातरम भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। 100 फीट की ऊंचाई पर चीनी मिल रूपापुर में लहराया गया तिरंगा। चीनी मिल के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह ने कहा, तिरंगा मेरी आन बान शान और जान है। उन्होंने कहा, तिरंगा यात्रा संपन्न होने के बाद करीब 100 फीट ऊंचे एक विशाल तिरंगा को लगाया। वही चीनी मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारत माता की जय वंदे मातरम जैसे नारों को बुलंद कर लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर और चीनी मिल के एचआर हेड जगमोहन सरवटे, लीगल एडवाइजर उमेश नारायण सिंह, शोभित रस्तोगी, अभिनव सिंह राठौर आदि लोग मौजूद रहे। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।